Yes. Yes, sir. Today we will start chapter 15, that is triangles. Chapter name is triangles. Oh, sorry, similarity. Similarity, similar. Chalo. Sakshi, similar ka meaning batao bache. What do you mean by similar? Sir, same. What is same? So congruent ka meaning kya hai? That is also same. Sakshi? Yes, sir. Phir to dono mein kya difference hua? सर congruency में हम लोग साइड को भी मानते हैं लेकिन सिमिलैरिटीज में साइड को हम इक्वल नहीं दिखाते चलो साक्षी तेरे से क्वेश्चन पूछ लिया टीचर ने डिफाइन सिमिलर सिमिलर या ट्रायंगल वर्ड नहीं डाला मैंने सिमिलर कोई भी चीज हो सकती है सर्कल भी सिमिलर हो सकते हैं ठीक है साक्षी yes, भी सिमिलर हो सकती है साक्षी यू आर सिमिलर टू योर मदर मैंने एक लाइन बोल दी You are similar to your mother. Mother, तेरी शक्ल भी अपनी mother पे गई है. Understood? Yes. Sir. But size क्या है different है. मतलब similar का meaning खुशी. Yes. Define sir. Similar. Two things which look similar but not in same. It is no. not in the same size and shape. Same shape, but different size. But different this inside. Is the definition. Congruent में क्या होता है? Same shape, same size होता है. But similar में shape same होती है, size क्या होता है? Different होता है. अब similar triangle के अंदर, similar triangles के अंदर बच्चे, हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आती है कि एंगल्स आर इक्वल बट साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल प्रोपोर्शनली मतलब उनकी रेशियो इक्वल होती है प्रोपोर्शनली इक्वल सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल्स इक्वल होते हैं बट साइड्स क्या होती हैं प्रोपोर्शनली इक्वल होती हैं सिमिलर के अंदर बच्चे हमारे पास थ्री रूल्स हैं ए ए और ट्रिपल ए मोस्टली हम ए ए रूल यूज करेंगे सेकंड आ जाते हैं बच्चे एस ए एस एंड थर्ड आ जाता है एस 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 ए ए जैसे दो फर्स्ट रूल डिस्कस कर रहा हूं मैं टू ट्रायंगल्स आते हो देखो बड़ी ट्रायंगल छोटी और बड़ी साइज डिफरेंट बट सिमिलर होंगी ये कैसे होंगी वो देखो शेप सेम है इनकी अब एंगल सिंगल कट सिंगल कट सिंगल आर्क लगा दी सिंगल आर्क लगा दी एंगल बी एंगल आर के इक्वल दिया हुआ है एंगल ए एंगल पी के इक्वल है डबल आर्क लगा दी मैंने एंगल देखो फिगर में सॉल्व करना जरूरी है बच्चे हमको ये एंगल इसके इक्वल है ये एंगल इसके इक्वल है इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल है ना टू एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो ट्रायंगल्स क्या होंगी सिमिलर होंगी कंपलसरी है बट एक ऑर्डर में लिखना जरूरी है एक ट्रायंगल जैसे मर्जी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड एक मिनट निधि माइक ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ सर मैं बोलूं सर कैन आई टेल सर कैन आई टेल एक सेकंड थनु यस सर बता सकते हो बच्चे एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर सर नो बच्चे पीक्यूआर नहीं लिख सकते ये देखो मैंने आर्क्स लगाई है ना थनु इस चीज को समझना जरूरी है बेटा ए बी सी लिखा है मतलब एक ट्रायंगल जैसे मर्जी लिख दी ए बी सी लिख दी ना हम ऐसे
यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही है ना, पहले ए से बी की तरफ आए फिर बी से सी की तरफ गए, ए बी सी ऐसे हुआ ना। हाँ पी आर क्यू, इस चीज का ध्यान रखना है, तूने पी क्यू आर लिख दिया ना तो क्रॉस बजेगा चाहे सारा सम सही है, सिर्फ ऑर्डर गलत लिख दिया देन यू आर रॉन्ग। अब देखो फर्स्ट पोजिशन पे ए, फर्स्ट पोजिशन पे पी के इक्वल है, एंगल ए चेक भी हो जाता है इससे कि हमने ऑर्डर सही लिखा है कि नहीं लिखा। सेकंड पोजिशन पे बी है, सेकंड पोजिशन पे आर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, जो भी रीजन होगा यहाँ पे मैं गिवन लिख रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझा रहा हूँ। तो ए बी सी किसके सिमिलर होगी, पी आर क्यू के सिमिलर होगी ना। यस सर, बाय ए ए, ए ए रूल से सिमिलर हो जाएंगे। तनु तूने पहले चैप्टर किया हुआ है कि नहीं किया सर? पहले थोड़ा बहुत किया हुआ है ये चैप्टर कि नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं किया सर, आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी सर। ओके, यू हैव डन अर्लियर और नॉट? नो सर। ऑर्डर में बच्चे, अब ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो ए बी अपॉन पी आर, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब हमें फिगर देखने की जरूरत नहीं है यदि वो ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ए बी अपॉन पी आर, सेकंड थर्ड बी सी, सेकंड थर्ड आर क्यू अपॉन आर क्यू, फर्स्ट थर्ड ए सी, फर्स्ट थर्ड पी क्यू, इसके नीचे क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। रीजन सी पी एस टी। अब कई टीचर्स क्या कहते हैं कि सीपीएसटी नहीं लिखना, पूरा लिखना है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब टीचर पे डिपेंड है कि तुम्हारे टीचर क्या बोलते हैं, वैसे लिख दो सीपीएस। क्या बच्चे? सर ये प्लीज एक्सप्लेन करना फिर से, ए बी अपॉन पी आर बोला। ट्रायंगल सिमिलर होगी, यहां तक तो समझ आ गया बच्चे? यस सर। फर्स्ट सेकंड क्या है? फर्स्ट सेकंड वर्ड्स, तो ए बी साइड बन रही है ना, यहां से फर्स्ट साइड सेकंड क्या है? पी आर, वो इसके नीचे आएगा, इक्वल टू बी सी, सेकंड थर्ड बी सी, सेकंड थर्ड आर क्यू, उसके नीचे ए सी अपॉन पी क्यू थर्ड। ओके ठीक है, साइड जब भी ट्रायंगल सिमिलर होंगी उनके एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। दिस वन, दिस इज सी पी एस टी। Now, also third position, though two angles are already there. Third position angle C, third position angle Q. Then angle C is equal to angle Q. This is also CPSG. These are the triangles are similar. Now second rule. Now we have second rule, that is SAS. Side angle side. In this one, two sides are not equal but proportionally equal are there. A B C P Q R. Now A B upon P Q is equal to A C upon Q R is given. सिंगल डॉट रिप्रेजेंट सिंगल, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन क्यू आर, एंड व्हाट इज द इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन, एंगल इंक्लूडिंग बिटवीन ए बी एंड ए सी? यस तनु? सी सर, एंगल सी, एंगल 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 नॉट सी, नो बच्चे, एंगल इंक्लूडिंग बिटवीन ए बी एंड ए सी। देखो ए बी and AC, these two sides are used. Angle A sir. Angle A. And what is the angle between these two sides? PQ and QR. Angle Q sir. Angle Q, yes. Angle A is equal to angle Q is there. Now, in triangles, ABC and Sakshi, order. Sir, it will be PQ.
ए बी सी देखो हम यहां से बचे ए टू बी एंड देन बी टू सी ए बी सी ए बी सी यहां से यहां पे ऐसे आ रहा है ना यस सर फर्स्ट के बाद एम्प्टी साइट आफ्टर ए बी देन देयर विल बी नो सिंबल नो डॉट इज देयर तो फर्स्ट के बाद आफ्टर फर्स्ट के बाद क्या आएगा ऑर्डर सर क्यूपीआर क्यूपीआर दिस ऑर्डर इज मस्ट If we write PQR, then it is wrong. Up, how to write down AB upon QP? BC is not used. AC, first third. First third is AC, first third is QR. AB upon QP is equal to AC upon QR. Given. And sir, including angle. BC. Yes, bache? Sir, isme wo BC equals to BC upon PR kyun nahi likha, sir? मैंने ये यूज कर रहा था ये यूज करेंगे तो एंगल बी लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे रूल इज देयर हां सर यस वो तो गिवन पे डिपेंड है ना कि क्या गिवन है व्हाट इज गिवन दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस वन देन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू क्यूपीआर वी हैव टू डू एज लाइक दिस वन देन वी हैव टू प्रूव सिमिलर देन वी कैन यूज एज लाइक दिस बाय एसएस रूल देन फर्स्ट पोजीशन एंगल ए फर्स्ट पोजिशन एंगल क्यू के इक्वल होगा एंगल ए बिकम्स इक्वल टू एंगल क्यू बी इज इक्वल टू पी थर्ड पोजिशन सी इज इक्वल टू आर बिकॉज एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल बट साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल सीपीएसटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऑल्सो साइड्स आर प्रोपोर्शनली टू साइड्स आर ऑलरेडी देयर Third one is also equal to the ratio of these two sides. QP, AC upon QR is already given. AB, first second QP. AC, first third QR. Third. Sir, BC upon PR. BC upon PR. Same reason, CPCT. That depends upon the question which what we have to prove. Okay? Last part, that is SSS. Last rule is triple S. Sides of one triangle are respectively equal to the sides of another triangle. ABC, PQR, AB upon PR, AC upon PQ, and BC upon QR. In triangles, ABC, 1, 3, PRQ, and PRQ. ABC and PRQ, this one. AB upon PR, BC, second third RQ, AC upon PQ. Order, bachche, dekho, ABC. We have to go from here to here. A, B, C. After one dot, three dots are there. After one dot, three dots, how we will manage? A, P, R, Q. We have to write down P, R, Q. This one, given. Then triangles are similar, but we have to write down this line and triangle A, B, C, similar. This is a symbol of similar. Congruent symbol is this one, but only equal symbol left कर दो और only this symbol that is the symbol of similar PRQ by S side पे क्या reason लिखेंगे SSS then A angle sides are already proportional equal all the three sides then angle A is equal to angle P first position second B is equal to R and angle C is equal to angle Q this one given And so on. Then triangle. Sir, AB. CPST. Oh, sorry. Yeah. Mind में ना ये चल रहा था कि आज मैं exercise करवाऊँ कि ना करवाऊँ. Sir, start. Many students are not there. Sir, आप exercise कल start करवा देना.
कल से शुरू कर देंगे बच्चे ठीक हाँ सर कल से कीजिए दीज आर द हार्डली आई थिंक टू थ्री डेज में फिनिश कर देंगे अभी लास्ट टाइम तो टाइम ज्यादा लगा था ना अभी नहीं टाइम लगेगा इस पे अंडरस्टूड यस सर यस सर बट ये रूल्स यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स ओके अंडरस्टूड यस सर यस सर यस सर नाउ कोई और कोई बच्चे प्रॉब्लम हो डाउट हो किसी और चैप्टर में नो सर